ये पेशेंट जो था ये हिमाचल से आया था और ये आर्मी में जॉब करता है। इसका 2 बार पहले ऑपरेशन हो चुका है। दोनों बार ऑपरेशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ रही, दर्द रहा, बैठना उठना मुश्किल रहा, बड़ी बड़ी पट्टियां करवानी पड़ी। तो पेशेंट अंदर से डिप्रेस हो चुका था। जब उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसको बताया कि अंदर कलेक्शन लग रही है, अभी पस बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो वो घबरा गया। तो उसको समझाया कि नहीं, पहले हम एमआरआई करेंगे, एमआरआई में सब चेक करके फिर ही ऑपरेट करेंगे। जब एमआरआई करवाने गया तो एमआरआई की रिपोर्ट देते हुए रेडियोलॉजिस्ट ने भी कहा कि आपके अंदर तो बहुत ज्यादा पस है। तो पेशेंट डिप्रेस हो गया। तो जब हमारे पास आया, हमने उसको समझाया कि नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे और आप सेम डे से ही अपना काम कर सकते हो। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले जो 2 बार सर्जरी कराई थी उसमें बहुत तकलीफ झेली थी। फिर उसका प्रोसीजर किया गया वाफ्ट टेक्नोलॉजी से, लेजर को यूज किया गया और फिस्टुलोस्कोपी के थ्रू सारी जो एब्सेस थी उसको लोकेट करके सबको ड्रेन किया गया। बहुत ही छोटे जख्म में सारा ऑपरेशन हो गया। पेशेंट ऑपरेशन के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल है और उसको 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया। राणा हॉस्पिटल की यही है रीत, फिस्चुला पर होगी सदा ही जीत।